डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, मंगलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। हम बीएससी भाग प्रथम के वनस्पति शास्त्र के फर्स्ट पेपर में शैवाल के सामान्य लक्षण जनरल करेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे शैवाल के एक अन्य सामान्य लक्षण जिसे हम कहते हैं दृक बिंदु या आई स्पॉट। आई स्पॉट शैवाल में पाया जाने वाला एक रंगीन पिगमेंटेड कोशिकांग है जो सामान्यतया शैवाल के अग्र पार्श्व दिशा में पाया जाता है। फ्लैजिला जो कि अग्र दिशा में पाए जाते हैं उनके आधार पर या क्लोरोप्लास्ट के साथ जुड़ा हुआ यह कोशिकांग एक विशेष कोशिकांग है। इस कोशिकांग के द्वारा प्रकाश को ग्रहण किया जाता है तथा उसके अनुसार कोशिका की गति को नियंत्रित किया जाता है या निर्धारित किया जाता है। अतः इसे प्रकाश संवेदी अंग भी कहते हैं या इसे स्टिग्मा भी कहा जाता है जो कोशिका की पोजीशन या गति को नियंत्रित करता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं आई स्पॉट क्लोरोप्लास्ट के ऊपरी सिरे पर पाया जा रहा है यानी कि अग्र पार्श्व दिशा में पाया जा रहा है। यह रंगीन कोशिकांग है जिसमें उपस्थित एंथोसाइनिन नामक वर्णक इसको रंग प्रदान करता है। संरचना के आधार पर इस प्रकाश संवेदी अंग या आई स्पॉट को हम दो प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं। एक कणिका व पटलिका युक्त यानी कि ग्रैनुलेटेड एंड लैमिनेटेड जिसका उदाहरण है हमारे पास में डायनोफाइसी, और दूसरा लेंस व प्लेट युक्त जिसका उदाहरण है क्लोरोफाइसी। कणिका व पटलिका युक्त आई स्पॉट तुलनात्मक रूप से कम विकसित माना जाता है। इस प्रकार के आई स्पॉट में लिपिड ड्रॉपलेट्स या लिपिड से बनी छोटी छोटी बूंदें जो कि बॉल के रूप में दिखाई देती हैं प्रोटीन व लिपिड की पटलिकाओं के मध्य जिन्हें हम थैलेकॉइड कहते हैं अवस्थित होती हैं, यानी कि थैलेकॉइड और लिपिड ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाई जाती हैं और ये दोनों मिलकर के आई स्पॉट का निर्माण करती हैं। इस प्रकार के आई स्पॉट कम विकसित प्रकार के आई स्पॉट होते हैं। इनके द्वारा प्रकाश तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में अवशोषित किया जाता है। इसका उदाहरण हमारे पास में क्लेमाइडोमोनास। दूसरी प्रकार के आई स्पॉट जिनमें एक लेंस नुमा रचना दिखाई देती है जिसके आधार पर फोटोसेंसिटिव क्षेत्र पाया जाता है, प्रकाश संवेदी क्षेत्र पाया जाता है तथा उसके आधार पर एक पिगमेंटेड या वर्णक युक्त प्लेट पाई जाती है। ये तीनों संरचनाएं मिलकर के आई स्पॉट का निर्माण करती हैं और यह आई स्पॉट अधिक मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता है। अतः यह आई स्पॉट अधिक विकसित माना जाता है। आई स्पॉट को संरचना व स्थिति के आधार पर पुनः पांच प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है। टाइप ए, इस प्रकार के आई स्पॉट क्लोरोप्लास्ट में निहित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं तथा इनका सीधे सीधे कशाबिका से कोई संबंध नहीं होता। प्रकाश संवेदनाएं ये स्थानांतरित कर सकते हैं लेकिन सीधे कोई संबंध नहीं होता, उदाहरण क्लोरोफाइस से। टाइप बी, इस प्रकार के आई स्पॉट क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में एम्बेडेड होते हैं तथा यह कशाबिका से संबंधित होते हैं। इनका संबंध कशाबिका से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा होता है तथा यह प्रकाश संवेदनाओं का स्थानांतरण सीधे सीधे कशाबिका को कर देते हैं, अर्थात
कशाबिका की गति का नियंत्रण सीधे सीधे इस प्रकार के आई स्पॉट के द्वारा होता है, उदाहरण ज़ेंथोफाइसी। तीसरी प्रकार के आई स्पॉट यह ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ऑस्मीय कणिकाओं के द्वारा बने होते हैं तथा ये कणिकाएं थायलेकॉइड्स या पटलिकाओं के मध्य अवस्थित होती है। सी प्रकार के आई स्पॉट में कणिकाएं छोटे छोटे स्वतंत्र समूहों के रूप में पाई जाती है और ये समूह मिल करके प्रकाश संवेदनाओं का ग्रहण करते हैं, उदाहरण यूग्लिनोफाइसी। टाइप डी, इस प्रकार के आई स्पॉट में इसका निर्माण भी ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स के द्वारा होता है, पटलिकाओं के मध्य अवस्थित होते हैं लेकिन ये छोटे छोटे समूहों में नहीं होते, ये एक ही बड़े समूह में पाए जाते हैं। इनके द्वारा प्रकाश संवेदनाओं का ग्रहण किया जाता है तथा ये इस प्रकार के आई स्पॉट कशाबिका के आधार पर स्थित होते हैं जिसके कारण सीधे सीधे कशाबिका की गति को यह नियंत्रित करते हैं, उदाहरण डाइनोफाइसी। और पांचवा प्रकार है टाइप ई, इस प्रकार के आई स्पॉट का निर्माण लेंस, प्रकाश संवेदी क्षेत्र तथा रंग युक्त वर्णिका युक्त प्लेट के द्वारा किया जाता है। यह सबसे अधिक विकसित प्रकार के आई स्पॉट होते हैं और इनके द्वारा फ्लेजिला या कशाबिका की गति को नियंत्रित किया जाता है, एग्जांपल डाइनोफ्लेजिलेट्स। तो इस प्रकार से हम जो आई स्पॉट्स हैं उन्हें पांच प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं। आई स्पॉट्स के मुख्य कार्य, आई स्पॉट एक प्रकाश संवेदी अंग है, जैसा कि हमें पता है शैवाल एक फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक स्वयं पोषी प्रकार का जीव है, पादप है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रकाश की आवश्यकता है और प्रकाश, क्योंकि यह एक जलीय पादप है तो प्रकाश की उपलब्धता अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। सामान्यतः शैवाल कोशिकाएं मॉडरेट मध्यम प्रकाश को पसंद करती हैं, मॉडरेट लाइट को पसंद करती हैं, अधिक तीव्र प्रकाश में यह नहीं रहना चाहती। अतः उस समय जब प्रकाश अत्यधिक तीव्र होता है आई स्पॉट प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण करता है, वो संवेदनाएं कशाबिका तक पहुंचती हैं और कशाबिकाएं उस अनुसार गति कर कोशिकाओं को मध्यम प्रकाश की ओर ले जाती हैं, अर्थात गहरे पानी में ले जाती हैं। शाम के समय या सुबह के समय जब प्रकाश कम होता है उस समय में प्रकाश संवेदी अंग प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण करता है, कशाबिकाओं की गति को नियंत्रित करता है और कोशिकाओं को तीव्र प्रकाश की ओर या उस अवस्था में ले आता है जहाँ प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक प्रकाश उपलब्ध है। इसलिए आई स्पॉट दो कार्य करता है, प्रकाश संवेदनाओं का ग्रहण करना और कशाबिकाओं की गति का नियंत्रण करना। धन्यवाद।